जनहित में सर्वोपरि पथ पर चलते हुए सर्व कल्याणकारी संस्था ने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अमरोह व सासन में महिला मंडलों को सम्मानित किया। संस्था के यूथ विंग के अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि सर्व कल्याणकारी संस्था वर्षों से विभिन्न जन कल्याणकारी कार्य कर रही है, जिसके चलते संस्था ने सदैव समाज के कमजोर वर्ग, किसान, मजदूर, पूर्व सैनिक व विभिन्न महिला मंडलों एवं जरूरतमंद महिलाओं की सहायता की है। उन्होंने बताया कि संस्था का मूल लक्ष्य है कि प्रदेश व आसपास के जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की मदद मुहैया करवाकर उनका उत्थान किया जाए। अभिषेक राणा ने कहा कि आज के दौर में सभी को जन हितैषी कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। साथ ही जनमानस की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। अभिषेक राणा ने विडंबना व्यक्त करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश आज छोटी मोटी सुविधाओं के लिए भी तरस रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, मानो जैसे इनका अकाल पड़ गया हो। हिमाचल प्रदेश को आज रेफर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत स्वास्थ्य मदद के लिए कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। हर गंभीर मरीज को पड़ोसी राज्यों में रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बीमारी से ग्रस्त मरीजों को कई बार रास्ते में भी दम तोड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि संस्था ने मरीजों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी बीड़ा उठाया है। साथ ही सभी को उन्होंने संदेश दिया कि आज के समय में अराजकता इतनी फैल चुकी है कि सभी को मिलजुल कर रहना होगा और एकजुटता से हर चुनौती का सामना करना होगा। सर्व कल्याणकारी संस्था के माध्यम से जो हमीरपुर विधानसभा अमरोह पंचायत पड़ती है, यहाँ पर आज महिला मंडल को सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया गया। हमारे साथ यहाँ स्थानीय जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं संस्था के, जगदीप ठाकुर जी, और जिला अध्यक्ष लेखराज ठाकुर जी समेत अन्य जो पदाधिकारी संस्था के साथ हमारे रहे। कोरोना दौर से पहले धर्मपुर में आखिरी बार महिला मंडलों को सम्मानित किया गया था, आज इस तरफ पहली बार महिला मंडलों को सम्मानित करने का कार्य शुरू किया गया संस्था के माध्यम से। इस कार्य को और बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार संस्था का उद्देश्य रहा है कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को समाज में आगे ले जाने का, उनको आगे बढ़ावा देने का संस्था लगातार प्रयास करती रही है। संस्था के माध्यम से प्रयास रहता है कि समाज को जोड़ने का काम किया जाए, लोगों की सोच जो है समाज सेवा की ओर बढ़ाई जाए। लगातार संस्था लोगों के जनहित के कार्य करती आई है, चाहे पूर्व सैनिक हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे गरीब बेटियों की शादियों की बात हो, युवक मंडल हो, अन्य हर एक वर्ग की सहायता करने का प्रयास किया जा रहा है। आज उस मुहिम को आगे बढ़ाने का एक सिलसिला शुरू किया।